असलामुअलैकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भाई इस टाइम बाली इंडोनेशिया में और हम लोग स्टे कर रहे थे मंडपा रिट्ज कार्ल्टन में उबुद वाली साइड पे। वहाँ हम चार पांच दिन गुजारने के बाद आ चुके हैं इस टाइम सेमिनियाक वाली साइड पे। ये बाली एक काफी बड़ा आईलैंड है, बहुत बड़ा आईलैंड है, जिसमें आईलैंड के अंदर अंदर का आपका जो सफर होता है वो घंटे घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे का भी होता है। तो इसके काफी डिफरेंट पार्ट्स जो है ना वो देखने वाले हैं। हम लोग उबुद वाली साइड पे थे। उबुद वाली साइड पे आपको वाटरफॉल्स, ग्रीनरी, जंगल, फॉरेस्ट ये फील मिलती है। अभी हम लोग आ चुके हैं इस टाइम सेमिनियाक वाली साइड पे, और सेमिनियाक इनका बीच एरिया है। बीच के साथ साथ यहाँ पे बुटीक और लोकल शॉपिंग और जरा खाने पीने इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक इन किया अपना। अभी मुझे यहाँ पे सेमिनियाक आए हुए भी दो दिन गुजर चुके हैं, दो या तीन दिन गुजर चुके हैं, और यहाँ हमने चेक इन किया पोटैटो हेड में। पोटैटो हेड अगर आप सर्च करो तो बेस्ट एक बीच क्लब ये कंसीडर होता है कि यहाँ पे एक पोटैटो हेड बीच क्लब है जिसके लिए लोग ट्रैवल करके आते हैं। यहाँ पे स्टे मोस्टली लोग नहीं कर रहे होते, सिर्फ इसका बीच क्लब देखने के लिए लोग आते हैं, जिसकी आपको मिनिमम स्पेंड करना होता है डे बेड लेने के लिए और अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है। बट हम लोग यहाँ स्टे कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो तो आपको डे बेड भी फ्री होता है, बीच क्लब की एक्सेस फ्री होती है, हर चीज़ फ्री होती है। तो ये काफ़ी बड़ा एक रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट टूर तो नहीं, इसके अंदर एक चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ का एक जो ब्रेकफास्ट है सुबह जो बफे लगता है रेस्टोरेंट्स के अंदर, वो इसका बड़ा यूनिक है। तो मैंने सोचा आपको वो दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लोग यहाँ पे नाश्ता सर्व करते हैं। बफे नहीं लगता, लेकिन इनका बड़ा एक यूनिक स्टाइल है नाश्ता सर्व करने का। इस साइड पे है जी रेस्टोरेंट एरिया। बेसिकली इनका जो रेस्टोरेंट है यूनिक स्टाइल जो है वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। इधर इस तरह से दरख्त हैं, बहुत खूबसूरत सा एक गार्डन है, और ये जो जगह है यहाँ पे इनकी फिटनेस क्लासेस होती हैं। तो अभी थोड़ी देर में मेरा ख्याल वो भी शुरू होगी, वो लोग ज्वाइन करते हैं उसको। मॉर्निंग 1 to 5। यस, कुछ यहाँ पे भी टेबल्स हैं, आप यहाँ पे भी बैठ के सुकून से नाश्ता वाश्ता कर सकते हो, लेकिन हम बैठेंगे दूसरी साइड पे। गुड मॉर्निंग, गुड, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ओके, सो हम लोग वहाँ से आ गए हैं इस तरफ, ये पूल के किनारे जो डे बेड्स लगे हुए हैं सारे। अब यहाँ पे डे बेड पे बैठ के आप नाश्ता अपना कर सकते हो। मतलब ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ है कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट तक स्पेसिफिक नहीं है, आप पूल के किनारे, वो सामने समंदर है, इन्फिनिटी पूल, और यहाँ पे बैठो, यहीं पे आपको ये नाश्ता सर्व करेंगे। ओके जी, तो हमने अपना डे बेड ले लिया है। डे बेड लेने के बाद अब मोस्टली ये होता है कि ब्रेकफास्ट बफे लगता है होटल्स के अंदर। यहाँ पे बाली के अंदर ब्रेकफास्ट बफे का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कम है, आप अला कार्ट करते हो। मोस्टली जो होटल्स हैं वो आपको कहते हैं जी ये मेन्यू है, कोई एक एक डिश आप मंगवा लो पर पर्सन। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्होंने वही रखा हुआ है, बफे नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरा मेन्यू दिया हुआ है और ऑल यू कैन ईट है। पूरे मेन्यू में से जितनी मर्जी बार जो जो मर्जी डिशेज मंगवाओ। अब वो बफे में ये होता है कि सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, आप अपनी मर्जी से ले रहे होते हो। अब ये मेन्यू में ये है, जिस तरह आप रेस्टोरेंट पे एक पूरी डिश ऑर्डर करते हो उस तरह से आप यहाँ पे डिश ऑर्डर करो, खाओ, जितनी मर्जी मंगाओ, जितनी दिल करता है। आय हाय है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये हमारे मेन्यू है, मेन्यू के अंदर पहले आ जाती हैं कॉफ़ीज़, फिर हॉट टी, डिफरेंट हॉट टी हैं, फिर फ्रॉम द फार्म के अंदर है, ये तीन हमारे पास जूसेज हैं जिनमें इम्यून प्रोटेक्टर आ गया, विटामिन सी आ गया, विटामिन बूस्टर आ गया, फिर ये मॉर्निंग कॉकटेल हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं है, ये अगर आपने लेना होगा तो लोगे क्योंकि शराबा ने। फिर उसके अलावा पोटैटो हेड जम्मू, ये इनकी जम्मू इनकी एक यूनिक सी चीज़ है, इसके अंदर जिंजर गार्लिक पता नहीं सिनेमन ये वो चीज़ें डालते हैं, ये हमें ये पसंद नहीं आया था तो हमने दोबारा मंगवाया ही नहीं। और ये है हमारा मेन मेन्यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड, हाउ आर यू? जम्मू like traditional drink, this is Indonesian herb, so and then for the our jamu we make from ginger and turmeric for the basically. ओह थैंक यू बट नॉट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, तो अब ये है सारी मेन मेन्यू की चीज़ें, जिसमें सबसे ऊपर आ जाते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स, फिर पेस्ट्री बोर्ड है, फ्रेंच टोस्ट है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, फिर सेवरी आ गई पूरी, ये सारा मेन्यू है, फिर उसके अलावा साइड्स हैं, और उसके बाद इंडोनेशियन सिलेक्शन है। अभी मंगवाना शुरू करते हैं। इम्यून प्रोटेक्टर एंड वन ट्रॉपिकल फ्रूट एंड वन टूना क्रोसॉन, चिकन सॉसेज, बटन मशरूम एंड सॉल्टेड स्पिनच ऑन साइड, टू ट्रॉपिकल फ्रूट, वन ट्रॉपिकल थिंग and then one immune protector, the third one tuna croissant, and then with side sauces, mushroom and spinach, and the seven egg. Thank you. Good morning, sir. Good morning. This one, the pastry for you, for the starter breakfast. This is the plate. Which one do you want? I want croissant. One croissant. And two croissant. Two croissant. So, anything else? One chocolate. One chocolate. आपको कौन सा चाहिए? मुझे ये प्लेन। एंड दिस वन सिनेमन। ओके, वन सिनेमन
one cinnamon. Anything else? One butter and one jam. One butter and the jam, sorry. This is the butter. थैंक यू सो मच। जब आप अपना नाश्ता यहाँ पे ऑर्डर कर देते हो उसके बाद एक ब्रेड बोर्ड वाला बंदा फिर रहा है जो हर टेबल पे जाता है और वो ब्रेड की कलेक्शन लेके फिर रहा होता है, वो आपके सामने करता है, आपसे पूछता है कि आपको कौन सी चाहिए। अभी मैंने लिए प्लेन क्रोसान, साथ में चिकन चॉकलेट क्रोसान और साथ में सिनेमन। साढ़े जिम्मे होता ना आया हमें नान छोले दिंदे फिर रहे हो ना की ही बात हो जाए। इधर से हम अपना क्रोसान उठाएंगे, लगाएंगे पहले बटर के अंदर थोड़ा सा और बटर के साथ फिर मैं लगाऊंगा इसको जैम। अब ये जो चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह बंदा आपके आपको पेश कर रहा है, आपसे पूछ रहा है आपको कौन सी चाहिए, ये चीज़ें आपके स्टे में थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। थैंक यू सो मच। तो आपको एक वैल्यू फील होती है कि इस तरह से आके चीज़ें सर्व हो रही हैं, एक डिफरेंट स्टाइल है वो आपके जहन के अंदर ये चीज़ें बैठती हैं। अभी मेरा आ चुका है इम्यून प्रोटेक्टर, बीटरूट, कोकोनट, कैरेट, इस तरह की तीन चार चीज़ों से डिफरेंट ये जो है वो जूस बना हुआ है। और कल मेरे साथ बड़ी मज़े की चीज़ हुई, ये इन्होंने ना गन्ने का एक पीस अंदर रखा हुआ है, ये जिस तरह गन्ना होता है उसका छोटा सा पीस मैंने अपने ख्याल में उठाया, मेरे जहन में देखा नहीं मैंने इसे, मैंने ऐसे बैठे थे बातें कर रहे मैंने ऐसे उठाया और मैं स्ट्रॉ की तरह ना ऐसे खेंचू इसको, आए ना बीच में और महा फिर मेरा इतना मजाक उड़ाया मेरा, वो आ गन्ना इन्होंने बेच पाया है वैसी स्टाइल के लिए या चलो मिक्सिंग के लिए। हाँ मिक्सिंग के लिए कह सकते हैं। आए हाय वो कौन सा है, विटामिन सी, इसमें क्या क्या डला हुआ है, कैरेट तो पता लग रहा है। हाँ ऑरेंज कैरेट, हाँ उस इन दो का ज़्यादा टेस्ट है। ये इम्यून प्रोटेक्टर इतना मज़े का और इतनी अच्छी चीज़ है ये कि आपकी स्किन के लिए ऐसे मज़े करा दे बंदा, ये रोज़ पीता हो ना चमक जाए बंदा कसम ना। दूसरा है हमारे पास सिनेमन और इनके इतने सॉफ्ट हैं ये कि आपको मतलब ऐसे आप खाते हो ना मलाई की तरह, हाँ सॉफ्ट सिनेमन, इतना सॉफ्ट के मज़ा आ रहा है बंदे को खा के, चिको लाता की बारीक सी लेयर है बीच में बंदे को खा के एवं लगे कि खाब च कितने चॉकलेट आई है। और हमारा नाश्ता आ चुका है, थैंक यू सो मच, फ्रेश फ्रूट्स। हमारे नाश्ते की पहली शिफ्ट आ चुकी, मैंने मंगवाया डेसा बेनेडिक्ट जिसमें ऊपर पोस्ट एग्स हैं, उसके ऊपर इन्होंने कोई सॉस या चीज़ डाली हुई है, फिर बीच में ये बीफ बेकन है, फिर नीचे क्रिस्पी टोस्ट है और थोड़ी सी सब्जी सब्जी इन्होंने पाई हुई है। उसके अलावा एक मैंने ऑर्डर किया है टूना क्रोसॉन, टूना क्रोसॉन के अंदर क्रोसॉन को कट करके बीच में टूना डाली हुई है, फिर उसके अलावा खीरे शीरे और कुछ सैलेड सब्जी है, फिर उसके अलावा महा ने कुछ ऑर्डर किया है बड़ा ही कोई हेल्दी किस्म का बॉल है इसके अंदर, ये पता नहीं ऊपर मैंगो है ये क्या है, मशरूम के अलावा ट्रॉपिकल फ्रूट्स आ गए जिसमें फ्रूट्स हैं और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है भाई, ये कोकोनट योगर्ट। और फिर उसके अलावा हमारे पास आगे सॉसेजेस, चिकन सॉसेजेस, अभी नाश्ता फोड़ा जाएगा। शुरू करते हैं अपना खाना पीना, पीने का खाना। तो बादल कितने प्यारे आ रहे हैं उस तरफ से, खूबसूरत। तो हम यहाँ से काटेंगे अपने डेसा बेनेडिक्ट को, डेसा बेनेडिक्ट, आओ जी आओ जी आओ। इतना कोई मज़ेदार बीफ बेकन पोस्ट एग साथ में क्रिस्पी टोस्ट, खूबसूरत बादल आ रहे हैं, अल्लाह करके ऐसे ही रहे मौसम। और ये हमारे पास साथ में टूना क्रोसॉन, इसको ऐसे उठाएंगे, ओए होए होए होए, टेस्ट चीज़ों का इतना मज़े का, इतना परफेक्ट है कि एक एक मतलब ऐसा लगता है शेफ़ ने जो है ना वो सही एक डिश को सही तैयार किया पूरा, ये नहीं कि बस बना दिया ओके ना ना, एक एक चीज में आपको परफेक्ट टेस्ट आता है, इसमें टूना का इतना मजे का टेस्ट आ रहा है। अच्छा अभी ये कोकोनट योगर्ट जो कि इतनी की मजेदार चीज है, और ये आई हमारे पास कोकोनट योगर्ट, ओए होए, ओए होए, इतनी सॉफ्ट क्रीमी सी योगर्ट है और एक कोकोनट का टेस्ट आता है आपको सिंपल योगर्ट के साथ कोकोनट का टेस्ट। और बादल मैं कहता हूँ या अल्लाह इसी तरह दे रहन, क्योंकि इन जगहों पर जब धूप निकलती है ना वो धूप इतनी स्ट्रांग होती है कि आप बाहर नहीं खड़े हो सकते। गोरों के लिए है कि वो उन्हें ये धूप बड़ी पसंद आती है, वो बीच पे लेट जाते हैं धूप से, पता नहीं किमें इन्नी धुप खा लेंदे ने, मैं तो हैरान। बादल आती जगह की टोटल फील चेंज हो जाती है। अब इस तरफ देखो आप, यहाँ पे नीला आसमान पड़ा हुआ, ये भी एक अच्छा सीन है, बट ये सीन चेक करो जिस तरह बादल आते हैं साथ ही खूबसूरतियाँ। चिकन सॉसेज, चिकन सॉसेज, चिकन सॉसेज को ये लोग बोलते हैं सॉसेज
वो इतना क्यूट लगता है। सॉसेज बोलो ना, सॉसेज चाहिए। ओके, वन सॉसेज। नासी कुनिंग? यस। हमारे नाश्ते की सेकंड शिफ्ट आ चुकी है, जिसमें मैंने मंगवाया एक फ्रेंच टोस्ट, जो कि ओवरनाइट सोक्ड फ्रेंच टोस्ट है। इसके ऊपर ग्लेज एप्पल है, बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी है और लेमन कर्ड है। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, हम डेली तकरीबन मंगवा लेते हैं ये। और उसके बाद मैंने ये एक इंडोनेशियन डिश मंगवाई है, जिसका नाम है नासी कुइंग। कुइंग इसमें सॉल्टेड टेरी फिश है, उसके अलावा इंडोनेशियन नूडल्स हैं, फिर चिकन है, एक ये चिकन स्टिक पे है, येलो राइस है, साथ पापड़ पूपड़ देते हुए इन्होंने, और इस तरफ ये ऑमलेट पड़ा हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास क्या आया है, हाँ ये एक चीज़ है, इसका नाम है चिक पीस गार्बेंजो। ये साथ में जिस तरह नान होता है फ्लैट ब्रेड वो है, उसके अलावा इसके अंदर चिक पीस हैं, फिर उसके अलावा टोमेटो सॉस है, फिर उसके अलावा इसके अंदर एग प्लांट है, टोमेटो सॉस, पार्सले, उसका एक मिक्सचर है। इसको ऐसे ज़रा ब्रेड तोड़नी है, तोड़िए भी ना पावें, ब्रेड के साथ इसको लगाएंगे अंदर से। ये हमारे समझ लो चने हैं, बस रेड उसके अंदर, रेड सॉस के अंदर। इस डिश में काफ़ी हद तक अरब टच है, चनों से फील आ रही है कि साढ़े चने ने, लेकिन बीच में जो टोमेटो सॉस और जो चनों का एक जायका है, पूरा एक प्लांट आ रहा बीच में, जिस तरह आप इजिप्ट के अंदर या अरब के अंदर जिस तरह से खाते हो ब्रेड के साथ, ये वो वाली एक तरह से चीज़ है इसमें, बड़ी स्ट्रॉन्ग टोमेटो सॉस है। अच्छा, साथ में हैश ब्राउन भी है। हैश ब्राउन इनके पूरे मेन्यू में नहीं है, कल माह ने उनसे पूछा कि हैश ब्राउन है, तो उन्होंने कहा हमारे मेन्यू में नहीं है, अगर आपको चाहिए हम कल तैयार करवा देंगे, तो आज उन्होंने हैश ब्राउन तैयार करवाए हैं। अच्छा, ये जो इंडोनेशियन फूड है, इंडोनेशियन फूड के अंदर बहुत लिमिटेड चीज़ें जो आपको पसंद आ सकती हैं, तो अब इसका टेस्ट अच्छा है, इनके बड़े स्ट्रॉन्ग तीखे से ज़रा टेस्ट होते हैं, और एक अलग सी उसके अंदर कोई खुशबू होती है, बड़ी बड़ी ऐसे ना स्ट्रॉन्ग सी कोई खुशबू होती है। अब वो समझ से बाहर है, थोड़ी कड़वी सी खुशबू, पता नहीं किस चीज़ की कोई सॉस होती है, क्या होता है वो, तो उसकी वजह से और फ्रेंच टोस्ट, ओवरनाइट सोक्ड फ्रेंच टोस्ट, और ऊपर लेमन कर्ड, हाय हाय हाय। और लेमन कर्ड नू नज़र लग गई, वो जिस तरह से बीच में बेरीज आ रही हैं और उसका जो एक स्मूथ सा टेस्ट आ रहा है ना, सॉफ्ट सा, आपको लगता है हाँ ये तो डिजर्ट भी हो गया, और फील आती है सिर्फ कि बड़ा हेल्दी चीज़ मैं खा रहा हूँ, है कोई नहीं, सारा मीठा ही मीठा। अच्छा, मेन्यू में चीज़ें और भी बहुत हैं, लेकिन हमारे मतलब की जो जो चीज़ें थी वो हमने मंगवा ली और खा ली। उसके अलावा काफ़ी सारा मतलब डिफरेंट, जो भी जिस भी टाइप के आप बंदे हो, आपको उस तरह की चीज़ मिल जाएगी मेन्यू में, कोई ना एक डिश। ओए होए होए, महा ने तैयार करवाया अपना ऑमलेट, साथ में हैश ब्राउन साथ। हाय, फिलहाल तो खा के थोड़ा जहा वट पै रहे ने हुन। थैंक यू, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड डे, एंजॉय फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव, सो आई होपफुली यू विल बी हैव वंडरफुल डे ड्यूरिंग स्टे एंड देन यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। ये बार-बार आके हमें पूछते हैं कि कोई चीज अच्छी ना लगी हो तो मैं चेंज करवा दूं या इस तरह, तो वो स्टाफ आपको बार बार आके पूछ रहा होता है कि खाना कैसा लगा, कोई और चीज़ चाहिए या इस तरह का सीन है। अच्छा भाई, इस टाइम जो है ना वो धूप हो जाती है फुल तेज़, वहाँ पे इस टाइम लोगों का रश हो गया क्योंकि उन्हें धूप चाहिए, तो सानू धुप नाल चंगी भली एलर्जी, मुझे एक्चुअली एलर्जी है धूप के साथ, यहाँ दाने शाने निकलने शुरू हो जाते हैं, शदीद जलन शुरू हो जाती है, तो मैं फिलहाल उठ के आ चुका हूँ, बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है अभी फिलहाल। हम लोग निकले हैं भाई अपने रूम से और इस टाइम जा रहे हैं बीच क्लब की तरफ, जो कि पोटैटो हेड बीच क्लब है। ये एक बाली या इंडोनेशिया का एक बहुत मशहूर बीच क्लब है, तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि आप नाम से ही समझ सकते हो वो बीच क्लब है। वहाँ पे हर कोई अपने कम्फर्ट के अंदर होता है, अपने कम्फर्ट नहीं, बहुत ज़्यादा कम्फर्ट में होता है कि सारे कंफर्ट में होते हैं बस थोड़ा सा बस आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि किस तरह का बीच क्लब है, और ये दुनिया में इतना मशहूर है, इतना मशहूर है, उसे बोल दो, दुनिया में इतना मशहूर है कि इवन इसकी जो एंट्रेंस है वहाँ पे आके जितने भी लोग आते हैं वहाँ एंट्रेंस पे खड़े होके वो पिक्चर्स बनवा रहे होते हैं। सो ये है जी पोटैटो हेड बीच क्लब, हमारा रूम है इस तरफ और यहाँ से आके ये बीच क्लब की एंट्रेंस है, हमारे लिए ये वाली एंट्रेंस है, अदरवाइज जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए वो उस तरफ से एंट्रेंस है और वो वहाँ से अंदर जाते हैं। और ये इनका एक थीम है कि इन्होंने सोफ्टियाँ चप्पलें जड़ियाँ ने ना कैंची चप्पलें वो अन्ने वाह लाई हुई ने उत्ते, तो यहाँ से हम लोग एंटर होंगे, जिस तरह हमारे पहले सर्कस नहीं लगती थी उसके मौत का खूह होंगे मोटरसाइकिल घुमाते उस तरह का ये है यहाँ पे, और यहाँ से होंगे एंटर। ओए होए होए, हर तरफ वुडन विंडोज। हेलो, हाउ आर यू?
ओके सो ये है वर्ल्ड फेमस पोटैटो हेड बीच क्लब। यहाँ पे एक बार है, इस तरफ ऊपर एक जैपनीज रेस्टोरेंट है, इस तरफ सी फूड रेस्टोरेंट है, उस तरफ आगे पिज्ज़ा वगैरह के लिए रेस्टोरेंट है। अब ये जो पूरा एक क्लब है इसमें ये डे बेड्स हैं, कुछ डे बेड्स यहाँ पे हैं, कुछ वो आगे पूल के पास हैं और कुछ आगे बीच पे हैं और साइड पे भी बैठने की जगह है। अब अगर तो आप यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे तो आपको ये डे बेड लेने के लिए मिनिमम स्पेंड होता है कि 10 लाख मिनिमम स्पेंड करो यहाँ पे खाने पीने पे इंडोनेशियन रुपीज़ में, तो फिर आपको डे बेड मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो जिस तरह हम लोग कर रहे हैं तो हमारे लिए डे बेड फ्री है। तो ये डे बेड हमें मिला है, यहाँ पे डिफरेंट डे बेड्स हैं, सामने एक पूल है, सामने चल रहा है खूबसूरत समंदर और इस तरफ सनसेट होता है जो कि बहुत मशहूर सनसेट है पोटैटो हेड का। अब मैं आपको एक छोटा सा क्विक टूर दे देता हूँ। यहाँ से फिर से एक बार आ जाता है और ये इस तरफ क्लब का मेन पूल है, पूल के अंदर भी एक बार है वहाँ पे। ये इन लोगों के लिए ज्यादा मजे की जगह है, हमें सिर्फ बैठ के सनसेट का वेट करना, हमारे लिए ये वो है बस। अदरवाइज यहाँ पे डे बेड्स, यहाँ पे ये सारे डे बेड्स बुक कर सकते हो और एक पूरा दिन यहाँ गुजार सकते हो। इस खूबसूरत समंदर के नजारे के साथ और इस बीच क्लब में साढ़ा इको काम हो सकता है जेड़ा है रोटी। मैंने मंगवाया जी नूडल बॉल विद सोय मैरिनेटेड बीफ और इसमें हमारे पास नूडल्स हैं, ऊपर मुझे ससेमी नजर आ रहा है, कोई मसाले नजर आ रहे हैं, दो वेजिटेबल्स हैं और साथ में है ऊपर बीफ। अभी जरा खाना शाना फोड़ते बैठ के। और महा ने ऑर्डर किए हैं हॉट डॉग, चिकन सॉसेज हॉट डॉग, और क्या खूबसूरत लग रहा है, मेरा हम दिल ए आ रहा है। सुभान अल्लाह, सनसेट का वक्त हुआ जाता है, क्या खूबसूरत सनसेट हो चुका है तकरीबन, मतलब सूरज जा चुका है, वहाँ पे बादल हैं थोड़े से इस वजह से और बहुत प्यारा सीन है। इस टाइम सब लोग निकल आते हैं बाहर, ये चेक करो किस तरह से बीच पे रश हुआ है। इस टाइम सब लोग अपने जो है ना इस तरफ सारे होटल्स हैं। अब ये जो पूरी लाइन है ना ये इस तरफ आ गया पोटैटो हेड, फिर ये साथ ही डब्ल्यू सेमिनियाक आ गया, उस तरफ अलीला रिजॉर्ट है, तो एक लाइन में सारे रिजॉर्ट हैं। तो इस तरफ फिर लोग सारे सनसेट के टाइम निकल आते हैं और यहाँ पे क्या खूबसूरत यार ये चेक करो।